नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षा प्रभा में दोस्तों मैं करुणा आज ये वीडियो लेकर आई हूँ उन बच्चों के लिए जिनको लंबे समय से इंतज़ार था उनके होम साइंस के सैम्पल क्वेश्चन पेपर का जो कि हिंदी मीडियम हो और सॉल्व भी हो तो बेटा इस वीडियो में उन सभी स्टूडेंट्स की परेशानी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल पेपर है वो आपके सेकेंड टर्म बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न पर बेस्ड है बिल्कुल उसी के जैसा ये एक सैम्पल पेपर है जो डी ने अपलोड किया है लेकिन वो इंग्लिश मीडियम में था यहाँ पर मिलेगा ये आपको हिंदी मीडियम में वो भी आंसर्स के साथ तो बेटा शुरू कर लेते हैं सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये आएगा कैसे आपका बोर्ड एग्जाम तो आप सभी को पता है कि दो घंटे का आएगा और थर्टी फाइव मार्क्स का आएगा लेकिन कुछ जर्नल निर्देश जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो ये हैं कि सभी प्रश्न आपको करने हैं तेहरा प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में हैं और आपके प्रश्न पत्र को तीन खंडों में बांटा गया है खंड ए बी और सी में खंड ए में एक से सात तक प्रश्न हैं जो दो अंक वाले हैं और खंड बी में बेटा आपके आठ से दस तक तीन प्रश्न हैं जो कि तीन अंक वाले हैं और इसी तरह से आपके खंड सी में ग्यारह से लेकर तेरह प्रश्न हैं जो कि चार अंक के होने वाले हैं तो कुछ प्रश्न में बेटा यहाँ पर आपको आंतरिक विकल्प दिए गए हैं और कुछ के अंदर नहीं दिए गए आंतरिक विकल्प से यहाँ पर मतलब है कि अगर आपको ऊपर वाला प्रश्न नहीं आता है तो नीचे वाला प्रश्न आप कर सकते हैं शुरू करते हैं बेटा आपका खंड ए से सबसे पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है वो है निम्नलिखित में से प्रत्येक क्षेत्र में में एक फैशन व्यापारी के रूप में सुधा की कौन सी दो भूमिकाएं होंगी और वो क्षेत्र आपको दिए गए हैं सबसे पहला तो विनिर्माण के क्षेत्र में तो विनिर्माण में फैशन व्यापारी के रूप में सुधा को किसी एक परिधान को बनाने में विभिन्न प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी होगी वस्त्र की ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक सूझबूझ होने पर उसे कल्पना शक्ति को वास्तविकता में बदलने हेतु मदद मिलेगी कपड़ों और परिधान निर्माण के ज्ञान का उपयोग करते हुए सुधा को उचित परिधान का चयन कर इसके उत्पादन का श्रेष्ठ तरीका ढूंढना होगा साथ ही मूल्य और लक्षित बाजार जैसी बातों का ध्यान भी सुधा को रखना होगा बेटा जो दूसरा क्षेत्र आपसे पूछा गया है वो है प्रचार तो प्रचार के क्षेत्र में सुधा को पहली वर्ता ये देनी होगी कि वह डिजाइनर के उत्पाद को उन दुकानों तक पहुंचाए जो उसे अधिक मात्रा में खरीदना पसंद कर सकते हैं फैशन व्यापारी को न केवल रचनात्मक मस्तिष्क और प्रबल व्यापारिक कौशलों में दृष्टि की आवश्यकता होती है बल्कि उसे उत्पादन कौशल भी उसका तेज रखना पड़ता है फैशन व्यापारी डिज़ाइनर द्वारा तैयार परिधानों को फैशन प्रदर्शनों द्वारा बढ़ावा देता है जहां रचनाएं और उनके दृश्य प्रभाव संभावित ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बढ़ा चढ़ा प्रस्तुत किए जाते हैं इसके अतिरिक्त फैशन व्यापारी डिजाइनर के कपड़ों के लिए लक्षित बाजार ढूंढते हैं मतलब सुधा को पहले से पहले लक्षित बाजार भी ढूंढ कर रखने होंगे जैसे कि बच्चों के कपड़ों की दुकानें या विभागीय दुकानें या फिर छूट डिस्काउंट देने वाली दुकानें बेटा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है विकास संचार की चार आवश्यक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए तो विकास संचार का जो उद्देश्य है वो समुदाय को सूचना देना है शिक्षित करना है अधिक प्रभाव के लिए यह उपयुक्त जन संचार साधनों तथा अंतर्व्य संचार चैनलों को जोड़ता है यह है श्रोताओं की विशेषताओं तथा उनके परिवेश पर आधारित है विकास संचार ऐसे दो पक्षों के बीच दो तरफा संप्रेषण होता है जिसमें एक के पास सूचनाएं हैं तथा दूसरा उससे अनभिज है इसके अलावा विकास संचार की प्रमुख विशेषताएं हैं कौन कौन सी तो सबसे पहली यह सामाजिक आर्थिक विकास तथा व्यक्तियों तथा सामान्य जनसमुदाय की सुख शांति की ओर उन्मुख होता है सेकंड इसका उद्देश्य से समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना होता है तीसरा अधिक प्रभाव के लिए है उपयुक्त जनसंचार साधनों तथा अंतर व्यक्तित्व संचार चैनलों को जोड़ता है चौथा यह श्रोताओं की विशिष्टताओं तथा उनके परिवेश पर आधारित होता है बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है दो नंबर के प्रश्न के लिए वो है नूरी विषम रंग योजनाओं का उपयोग करके कपड़ों का संग्रह बनाना चाहती है लेकिन वह किन चार विभिन्न प्रकार की विषम योजनाओं को लागू कर सकती है तो देख लेते हैं नूरी निम्नलिखित विषम रंग योजनाओं का प्रयोग करके कपड़ों का संग्रह बना सकती है जिसमें सबसे पहला आ जाएगा पूरक सुमेल इसमें दो रंगों का उपयोग होता है जो वर्ण चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं जैसे कि लाल और हरा नीला और नारंगी पीला और बैंगनी बेटा ये तीनों जो यहाँ पर पेयर आपको दिखाए गए हैं ये विरोधी रंगों के हैं। विरोधी और पूरक एक ही बात होती है इसके अलावा दूसरा है दोहरा पूरक सुमेल यह दो पूरक युगलों से जुड़ा हुआ होता है जो सामान्यतः वर्ण चक्र में एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं जैसे लाल नारंगी और पीला ये एक ही वर्ण चक्र के रंग हैं। तीसरा है बेटा विभाजित पूरक सुमेल तो इसके अंतर्गत एक रंग उसके पूरक रंग यानी कि विरोधी रंग और पड़ोसी रंग का उपयोग करके तीन रंगों का संयोजन होता है चौथा है आपका अनुरूप सुमेल यह अनुरूप और पूरक योजनाओं का संयोजन होता है इसमें पड़ोसी रंगों के समूह में प्रधानता के लिए पूरक रंगों का चयन किया जाता है पांचवा है आपका ऋणात्मक सुमेल तो वर्ण चक्र पर एक दूसरे के समान दूरी पर स्थित तीन रंगों का संयोजन होता है बेटा आपका दो नंबर का प्रश्न आपसे जो नेक्स्ट पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर चार कि निम्नलिखित के लिए कारण दीजिए और टॉपिक क्या दिए हुए हैं उन्होंने तो कपड़ों के सूखने तक चक्रण क्यों नहीं किया जाता एक नंबर का प्रश्न है यहाँ पर ये तो चक्रण के समय वस्तुओं से निकाले गए जल की मात्रा टब के चक्रण की गति से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है सूखने तक चक्रण नहीं किया जाता चक्र नहीं है ये चक्रण है चक्रण नहीं किया जाता क्योंकि इससे वस्त्रों में वस्त्रों में सिलवटें पड़ जाती हैं तथा प्रेस के द्वारा बहुत कठिनाई से फिर ये हटती हैं बी में पॉइंट uh, बी में यानी कि एक नंबर में आपसे पूछा गया है वॉशिंग मशीन के आडोलक बैकलाइट से बने होने चाहिए तो मशीन के साइज और धोए जाने वाले वस्त्रों के प्रकार के आधार पर आलोडकों को प्लास्टिक धातु का या तो मतलब प्लास्टिक का या फिर धातु का जिसमें कि वो एल्युमिनियम भी हो सकती है अथवा बैकलाइट से भी इनको बनाया जा सकता है इस प्रकार वो जो आडोलक होते हैं वो अपमार्जकों विरंजकों और मृत्युकारकों आदि से प्रभावित नहीं होते वस्त्र के प्रकार के आधार पर आलोडक की गति को भी परिवर्तित किया जा सकता है यह था आपका दो नंबर में एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर पाँच ये भी बेटा आपसे दो मार्क्स में पूछा गया है और क्वेश्चन है अभियान शब्द से आप क्या समझते हो इसके दो लाभ बताइए तो अभियान एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के इरादे से किए गए कार्यों का समूह होता है और अभियान के दो लाभ होते हैं पहला यह लोगों के ध्यान को और रुचि को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है दूसरा यह लोगों को लंबे समय तक याद रहता है तथा उसकी कार्यवाही को भी प्रेरित करता है बहुत सिंपल सी बात है बेटा आंदोलन आप समझ लेना आंदोलन शब्द तीसरा यह प्रथाओं को अपनाने के लिए एक वातावरण उपस्थित करता है तो इनमें से कोई भी दो कारण आप यहाँ पर दे सकते हैं देखो बेटा आपके इस पांचवे जो प्रश्न है इसमें आपको एक ऑप्शन भी दिया गया है यानी कि अगर आपको आंदोलन नहीं पता है तो आप बता दीजिए कि आर आर ई और सेवा परियोजना के कोई दो उद्देश्य तो सबसे पहले तो आर आर ई के कोई दो उद्देश्य कौन कौन से हैं तो सबसे पहले प्राथमिक रोकथाम सेवाओं के बारे में जानकारी फैलाना आर आई आर 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 ई का काम होता है दूसरा एड से पीड़ित लोगों के प्रति कलंक और भेदभाव को कम करने के लिए रोग की जो समझ विकसित करता है वो आर आर ई करता है दूसरा है बेटा सेवा परियोजना के दो उद्देश्य हैं तो पहला उद्देश्य है कि महिला श्रमिकों के लिए पूर्ण रोजगार और आत्मनिर्भरता प्रदान करने में सेवा परियोजना की महत्वपूर्ण योगदान रहता है सेकंड है बेटा आय भोजन और सामाजिक सुरक्षा जैसे अन्य संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं की सहायता करना भी सेवा परियोजना के अंतर्गत ही आता है बेटा यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर छ दिया गया है कि अतिथि चक्र के चार चरणों के बारे में विस्तार से बताइए तो अतिथि चक्र के चार चरणों का विवरण यहाँ पे दिया गया है जिसमें पहला है आगमन पूर्व अवस्था मतलब अतिथि आने से पहले आते वक्त और आने के बाद इस तरह से चार चरण आप चाहो तो एक छोटा सा डायग्राम भी यहाँ पर बना सकते हो पर उसकी नीड भी नहीं है क्योंकि सिर्फ दो नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है लेकिन अगर यही वाला प्रश्न आपसे तीन नंबर में या चार नंबर में पूछा जाएगा तो आप इसको डायग्राम से बता सकते हैं तो चार चरणों में सबसे पहले आगमन पूर्व की अवस्था है और इसमें किए जाने वाले क्रियाकलापों में केंद्रीय आरक्षण पद्धति या आरक्षण विभाग द्वारा कमरा आरक्षित करना शामिल होता है यानी कि पहले ही कमरे को बुक कर देना सेकंड है बेटा आपकी आगमन अवस्था मतलब इसमें जो अतिथि वो पहुंच चुके हैं तो इस चरण में जैसा कि शीर्षक ज्ञात होता है कि अतिथि का वास्तव में आगमन होता है तो इस अवस्था में उसका नाम रजिस्टर में दर्ज किया जाता है जिसको हम चेक इन करना भी बोलते हैं तीसरा है बेटा कमरे पर आधिपत्य इस चरण में अतिथि की आवश्यकताओं के अनुसार उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए अतिथि सेवाओं का समन्वय किया जाता है उसको विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं ठीक है ठीके? और इस तरह की सेवाएं उसको दी जाती हैं जिससे कि वो संतुष्ट हो उसका संरक्षण भी सुनिश्चित करना होता है प्रतिष्ठान की सेवाओं को वो आगे उपयोग करे और उसके लिए वो प्रोत्साहित रहे इसके लिए अच्छी से अच्छी सेवा इसमें उसको दी जाती है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ग्राहक की निष्ठा को पाने और उसे बनाए रखने के लिए तीसरा ये जो है अतिथि चक्र का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चौथा है बेटा प्रस्थान तो यह अतिथि चक्र की अंतिम अवस्था होती है इसमें अतिथि छोड़ता है है बाहर जाता है या चेकआउट करता है अतिथि द्वारा कमरे के आधिपत्य का अगतन रिकॉर्ड इसमें रखा जाता है जिसमें अतिथि संबंधी अन्य सूचनाएं भी होती हैं जिसमें अतिथि संबंधी संपूर्ण जानकारी होती है बेटा आपका यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये लास्ट प्रश्न है जो आपसे दो नंबर में पूछा जा रहा है और वो है कि आपने उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण का प्रशिक्षण लिया हुआ है तो आपके लिए नौकरी के कौन से चार अवसर उपलब्ध होंगे देख लेते हैं अगर हम उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण में प्रशिक्षण लेते हैं तो हम निम्न क्षेत्र में अपनी जीविका के अवसर ढूंढेंगे। सबसे पहला हो जाएगा बेटा भारतीय मानक ब्यूरो अब ये होता क्या है तो भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बी भारत की राष्ट्रीय मानक निकाय है भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों की मानकीकरण चिन्हांकन और गुणवत्ता प्रमाणित गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण पूर्ण विकास के लिए एवं इसके साथ जुड़े मामलों या आकस्मिक मामलों के लिए होता है। है बेटा सेकंड आपका विपणन और निरीक्षक निदेशालय तो विपणन और निरीक्षक निदेशालय जिसको कि डीएमआई भी बोला जाएगा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के एक संबंध कार्यालय एकीकृत विकास के लिए कृषि विपणन नीतियों और कार्यक्रम को लागू करने के लिए 1935 ईस्वी में स्थापित किया गया था किसानों के साथ साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए देश में कृषि और अन्य संबंध उपज का विपणन किया जाता है यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है यहाँ पर भी हम अपने जीविका के अवसर को तलाश करते हैं सेकंड है बेटा आपका उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय तो उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत दो विभागों में से एक है देश में बुनियादी उपभोक्ता आंदोलन को गति देने के लिए एक विशिष्ट विभाग की आवश्यकता के दृष्टिकोण से जून 1997 में एक अलग विभाग के रूप में इसका गठित किया गया था इस पर भी हम अपने जीविका के अवसर ढूंढ सकते हैं इसके अतिरिक्त बेटा सरकारी संगठनों में विभिन्न निर्णय लेने वाले प्रबंध की है और तकनीकी पदों पर भी हम कार्य कर सकते हैं तो बेटा यहाँ पर आपके दो नंबर वाले प्रश्न सभी खत्म होते हैं अब आ जाते हैं आपका खंड बी में जहां पर आपके तीन नंबर वाले प्रश्न है तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें प्रश्न संख्या आठ कि फैशन उद्योग में बिक्री के तीन स्तरों की व्याख्या करनी है तो तीन स्तर हम देख सकते हैं फैशन उद्योग में सबसे पहला तो आ जाएगा खुरदुरा संगठन में व्यापारिक गतिविधियां तो फैशन उद्योग के भीतर यह एक विशिष्ट प्रबंधन कार्य है यह है वह व्यवसाय है जो फैशन की दुनिया को डिजाइनर के प्रदर्शन कक्ष से खुरदरा दुकानों तक और फिर ग्राहकों के हाथों में पहुंचाता है यह खुरदरा संगठन के अतिरिक्त नियोजन द्वारा प्राप्त किया जाता है जो यह सुनिश्चित करता है कि व्यापार में विक्रय के लिए उस मूल्य पर माल का पर्याप्त प्रावधान रहे इसके अतिरिक्त जिस मूल्य पर ग्राहक इच्छा पूर्वक लेने के लिए तैयार है ताकि लाभ प्रचालन जो है वो सुनिश्चित रह सके बेटा सेकंड है इसमें क्रय एजेंसी व्यापार में समान तो यह एजेंसी वस्तु के क्रय के लिए परामर्श देती है क्रय एजेंसी ग्राहकों के लिए सामान उपलब्ध कराने के कार्यालय का काम करती है क्रय एजेंसियों के माध्यम से खरीदना निर्यातकों के लिए लाभकारी होता है क्योंकि यह लागत और समय की बचत करती है क्रय एजेंटों का उत्तरदायित्व तो विक्रेताओं की पहचान करना मूल्य का मूलभाव करना बनते समय गुणवत्ता की जांच करना और लदान पूर्व गुणवत्ता की जांच करना होता है वे उत्पादन प्रक्रिया के दौरान गुणवत्ता पर नियमित नियंत्रण रखते हैं बेटा तीसरा पॉइंट है यहाँ पर निर्यात उद्यम में व्यापारिक गतिविधियां इसे समझने के लिए सबसे अच्छा यह होगा कि पहले निर्यात उद्यम में व्यापारी की भूमिका को समझ लिया जाए तो निर्यात में दो प्रकार के व्यापारी होते हैं पहला क्रय एजेंट और दूसरा उत्पादक व्यापारी तो क्रेय एजेंट खरीदारों और उत्पादकों के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना होता है कि उत्पाद का विकास खरीदार की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ हो इस प्रकार उनकी जिम्मेदारी स्रोत ढूंढने नमूना लेने और खरीदार से बातचीत करने की होती है दूसरी ओर उत्पादक व्यापारी उत्पादन और खरीदार व्यापारियों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं उनकी जिम्मेदारी उत्पादन को समय बाध्यता और खरीदार की आवश्यकताओं के अनुसार कराने की होती है अब इसमें आपको एक ऑप्शन दिया गया है अथवा का अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो बेटा आप इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं जो दिया गया है कि नीलेश विजुअल डिजाइनर बनना चाहता था तो वे कौन से चार व्यापारी का धार हैं जिनके बारे में नीलेश को पता होना चाहिए तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि चार व्यापारी का धार जिनका नीलेश को पता होना चाहिए तो सबसे पहले सही उत्पाद का चुनाव तो नीलेश को यह पता होना चाहिए कि उत्पाद श्रेणी एक ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो उपभोक्ता चाहता है नीलेश को उपभोक्ता की मांग पर आधारित उत्पाद का चयन करना चाहिए दूसरा उसको सही समय का इंतज़ार करना चाहिए नीलेश को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपने उत्पाद का विक्रय किस समय करना है जैसे कि सर्दियों के मौसम में हीटर की बिक्री कूलर के मुकाबले अत्यधिक मात्रा में होती है इसके साथ ही साथ समय पर विक्रय होने वाले उत्पाद की मात्रा भी व्यापारी के पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए तो इसका ध्यान भी निलेश को रखना होगा थर्ड सही जगह के बारे में उसे पता होना चाहिए यानी कि उत्पाद की सही बिक्री के लिए सही जगह का चुनाव बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जैसे कि किसी मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र में साड़ी की बिक्री उतनी मात्रा में नहीं होगी जितना कि वहाँ पर बुरका खरीदा जा सकता है इसके अतिरिक्त बर्गर की बिक्री किसी ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्र में अधिक होगी चौथा निलेश को जो ध्यान रखना है वो है सही कीमत उत्पाद की कीमत का सही निर्धारण भी बहुत आवश्यक होता है निलेश को यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने उत्पाद की कीमत इस तरह से निर्धारित करे कि उसे भी लाभ की प्राप्ति हो और इसके साथ ही साथ उपभोक्ता को भी उचित कीमत पर उत्पाद से संतुष्टि प्राप्त हो सके जिससे कि भविष्य में भी उस उत्पाद का प्रयोग करने के लिए जो उपभोक्ता है वह उत्साहित रहे बेटा इसी में बी पॉइंट में पूछा गया है कि नीलेष के पास कौन से दो विशिष्ट कौशल होने चाहिए तो सबसे पहले तो उसको व्यापार का ज्ञान होना चाहिए व्यवसायी को अपने व्यवसाय के बारे में पूरी समझ होनी चाहिए उसे व्यवसाय के उद्देश्य और उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए व्यवसाय के ज्ञान को वित्त विपणन व्यापारी कानूनों के ज्ञान का पूरक भी होना चाहिए जटिल व्यवसाय की समस्याओं से निपटने के लिए इन सभी पहलुओं का ज्ञान आवश्यक है दूसरा उसके अंदर निर्णय लेने की पहल होनी चाहिए क्षमता होनी चाहिए व्यवसायी की सफलता काफ़ी हद तक निर्णय लेने की उन क्षमता पर निर्भर करती है कि वे तुरंत और साहस पूर्वक निर्णय लें अनिर्णय बहुत बार लाभदायक व्यवसायिक अवसरों को खो देता है निर्णय लेना किसी भी कार्य को करने का मूल घटक होता है यह आवश्यक है कि व्यवसायी सही निर्णय लें शीर्घ निर्णय ले इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है बेटा वो है ईमानदारी और नैतिकता तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि व्यवसायी उपभोक्ता की मांगों को पूरी ईमानदारी से संतुष्ट करें या पूर्ति करें उसे अपनी क्षमता का उपयोग करना चाहिए ताकि वह उस मांग कर सके उसे ईमानदारी से गुणवत्ता मानक बनाए रखना चाहिए ईमानदारी और आशावादी के साथ किया जाना चाहिए वह व्यवसाय की अपनी सर्वश्रेष्ठ विशेषता होती है उसके साथ ईमानदारी केवल नीति ही नहीं बल्कि वास्तविक अभ्यास भी होना चाहिए चौथा है समय की नब्ज और दूरदर्शिता तो सबसे बड़ी बात कि नीलेश के पास दूरदर्शिता होनी चाहिए और समय पर कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए एक सफल व्यवसाय के लिए समय की सराहना करना और समय के संदर्भ में सोचना अनिवार्य है कार्यवाही एक श्रृंखला होती है जो अंतिम उपभोक्ता की तेजी से बदलती जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए दूरदर्शिता के साथ साथ पूर्वानुमान लगाना और भविष्य में देखने के लिए सक्षम भी निलेश को होना पड़ेगा चाहने वालों का पता लगाने के बाद वह इतना सक्षम होना चाहिए कि बुद्धिमानी से उन चाहतों को यानी कि उन मांगों को पूरा कर सकें तो बेटा यहाँ पर आपको चार क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें से किन्हीं भी दो क्वेश्चन का डिटेल आप अपने आंसर में लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन यहाँ पर आपको दिया गया है लॉन्ड्री एक कला है और विज्ञान तो लॉन्ड्री एक कला और विज्ञान दोनों है तो क्यों है घरेलू लॉन्ड्री और व्यवसायिक लॉन्ड्री में चार अंतर बताइए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा तो स्वच्छ चमकदार स्वास्थ्य के अनुकूल वस्त्र दाग रहित और कड़क घरेलू लिलेन सफल धुलाई या निर्जल धुलाई के ही परिणाम होते है। हैं लॉन्ड्री से यहाँ पर मतलब धुलाई से ही है बेटा वस्त्रों की धुलाई एक विज्ञान और कला दोनों है विज्ञान इसलिए है क्योंकि यह वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों के अनुप्रयोगों पर आधारित होती है और कला इसलिए है क्योंकि ये सौंदर्य परक रुचिकर परिणाम प्राप्त करने के लिए इसके अनुप्रयोगों में कुछ कौशलों से संबंधित निपुणता की आवश्यकता पड़ती है अब हम देखते हैं अंतर घरेलू और व्यवसायिक लॉन्ड्री में तो घरेलू लॉन्ड्री में अंतर देखेंगे सबसे पहले घरों में धोए जाने वाले जो कपड़े होते हैं उनकी मात्रा कम होती है ज़्यादा से ज़्यादा आठ से दस किलो सेकेंड घरों में कपड़े धोने का कोई रिकॉर्ड बना करके नहीं रखना होता तीसरा घरेलू लॉन्ड्री में कपड़े धोने की प्रक्रिया को कई खंडों में विभाजित नहीं किया जाता चौथा घरेलू लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए छोटे उपकरणों को प्रयोग में लाया जाता है जैसे कपड़े धोने का ब्रश बाल्टी वॉशिंग मशीन इत्यादि अब व्यावसायिक लॉन्ड्री क्या होती है तो व्यवसायिक लॉन्ड्री में धोए जाने वाले कपड़ों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है कई बार तो हजार किलो या उससे भी ज़्यादा हो जाती है इसके अतिरिक्त व्यवसायिक लॉन्ड्री में धोए जाने वाले कपड़ों का उचित रिकॉर्ड बनाकर रखा जाता है तीसरा व्यवसायिक लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए प्रयोग में लाने जा लाने वाली प्रक्रिया के कई चरण होते हैं जैसे निरीक्षण का एक अलग क्षेत्र होता है चयन करना फिर सुखाना फिर प्रेस करना इत्यादि इसके अलावा व्यवसायिक ये वेबसाइट गलत है यहाँ पर आएगा व्यवसायिक लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए बड़े उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जैसे हाइड्रो एक्सटेक्टर्स स्त्री के लिए फ्लैट बेड रोलर इसत्री इत्यादि बेटा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टेन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि रोहन ने अभी अभी पत्रकारिता का कोर्स पूरा किया है वह मीडिया इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहता है इस क्षेत्र के लिए आवश्यक किन्ही कौशलों की चर्चा कीजिए तो रोहन को मीडिया इंडस्ट्री के साथ काम करने के लिए निम्नलिखित कौशलों की आवश्यकता होगी सबसे पहला तो होगा संज्ञानात्मक अब क्या होता है भाई संज्ञानात्मक तो रिपोर्टिंग यानी कि खबर निकालने का गुण खबर को खास बनाने का गुण नेटवर्किंग यानी अपने आँख और कान खुले रखना ताकि संभावित खबरों की पहचान कर सके और पकड़ सके ये गुण प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया तीनों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है तो रोहन को चाहिए कि वो संज्ञानात्मक बने अगर रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट है तो रोहन को सूचना निकलवाना आना चाहिए अन्यथा खबर नहीं बना सकते यदि रोहन के भीतर न्यूज सेंस यानी खबरों को समझने और सूचना निकलवाने का गुण है तो वह एक अच्छा रिपोर्टर बन सकता है सेकेंड है बेटा रचनात्मक तो सूचना तंत्र के विकास के साथ मौजूद दौर में रचनात्मक लेखकों की मांग में भी तेजी आई है इस क्षेत्र में करियर के विकल्प प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक वेब और ब्रॉडकास्ट के साथ साथ दूसरे हर प्रकार के संचार माध्यमों में खुले हैं रचनात्मक लेखन के लिए ज़रूरी है भाषा का और विषय का ज्ञान इसके साथ ही साथ इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि किसी विज्ञापन के लिए कुछ सेकंडों में संप्रेषित होने की क्षमता होनी चाहिए जिससे कि वो मतलब ऐसे कहते हैं ना ऐसे ट्रेंड हो जाए तो रचनात्मकता के लिए हमेशा अपडेट होना और समय के साथ बदलाव लाना भी जरूरी होता है तो ये रचनात्मकता भी निलेश के पास होनी चाहिए थर्ड है तकनीकी भले ही आज की पीढ़ी में विषयों को गहराई से समझने की कमी है लेकिन आज आगे निकलने के लिए टेक्नोलॉजी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आज के युवा इसमें काफ़ी तेज भी हैं और उनका लाभ उन्हें मीडिया में मिल भी रहा है इस तरह मीडिया संस्थानों में न केवल इंडस्ट्री के साथ रेगुलर इंट्रैक्शन होता है बल्कि फैकल्टी के रूप में अधिकांश वही लोग शामिल होते हैं जो प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं ऐसे में उन्हें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी मिलती है एक है बेटा प्रस्तुतिकरण तो रोहन को उसकी भाषा के प्रस्तुतिकरण पर पूरा अधिकार होना चाहिए हो सकता है कि रिपोर्टर की भाषा खराब हो लेकिन खबर एक्सक्लूसिव या ब्रेकिंग हो ऐसे में यह कॉपी एडिटर पर निर्भर करता है कि वह उस खबर को कितना प्रभावशाली बना सकता है जटिल से जटिल बात को भी सरल भाषा में समझाने की कला में उसको पारंगत होना चाहिए ऐसा नियमित अध्ययन करने से और लेखन अभ्यास करने से ही संभव हो सकता है क्वेश्चन नंबर पाँच कि प्रश्न करने की क्षमता तो रोहन के अंदर प्रश्न करने की क्षमता होनी चाहिए इस गुण के कारण ही कोई रिपोर्टर इस तरह के प्रश्न पूछकर सत्य उगलवा सकते हैं जो अप्रिय होते हैं इस तरह के प्रश्न के जोखिम भी बहुत होते हैं इसके लिए भी रोहन को पूरे तरीके से तैयार होना चाहिए उसे बे किसी भी प्रकार के प्रलोभन या दबाव में नहीं आना चाहिए पॉइंट नंबर सिक्स विभिन्न समूहों में काम करने की क्षमता तो रोहन को व्यवहार कुशल होना चाहिए इसी के बल पर वह विभिन्न लोगों से संपर्क बना सकता है एक्सक्लूसिव समाचार प्राप्त कर सकता है व्यवहारिक विचलन से बचने के लिए उसे कई अन्य मनोभावों पर नियंत्रण रखने की कला भी आनी चाहिए बेटा ये थे आपके तीन नंबर वाले प्रश्न अब हम देखेंगे आपके चार नंबर वाले प्रश्न खंड सी में सबसे पहले ग्यारहवा प्रश्न है आपका कपड़े और परिधान के लिए डिजाइन के क्षेत्र का विस्तार हुआ है और यह इतना विशाल हो गया है कि इसे वास्तव में दो विशेषज्ञता के रूप में जाना जाने लगा है रीना ने इस क्षेत्र में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है वह एक फैशन हाउस खोलना चाहती है वह साल की बच्ची के फ्रॉक में एक अनोखा डिजाइन बनाना चाहती है तो इसमें लय बनाने की दो विधियां आपको बतानी है बेटा और चित्र की सहायता से बतानी है तो लय बनाने के बेटा दो तरीके हो सकते हैं पहला कढ़ाई लेस और रंगों की पुनरावृत्ति से भी फ्रॉक में लय उत्पन्न किया जा सकता है इसके अतिरिक्त बेटा बटन आदि के आकार में भी थोड़ी सी वृद्धि या कमी के समन्वय से चित्र में या फ्रॉक बनाने में लय उत्पन्न की जा सकती है इसके अलावा भी बहुत से लय बनाने के कारण होंगे जो आप लोग लिख सकते हैं तो देख लेते हैं कि हम चित्र कैसा बनाएंगे इसका तो बेटा इस तरह से आप कोई यह चित्र यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हो जिसके अंदर आप कुछ बटन लगा दो कुछ लेस लगा दो लेयर लगा दो कलरफुल बना दो या फिर पेंसिल से स्केच ड्राइंग कर दो पेन से स्केच ड्राइंग कर दो तो इस तरह से आपको एक चित्र बनाना है इस क्वेश्चन में जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो चित्र के ही मिलेंगे ये ध्यान रखना कि आप जिन दो तरीकों को बता रहे हो उन दो तरीकों का प्रयोग आपने इस चित्र में किया हो इसके बाद बेटा जो आपसे पूछा गया है वो है क्वेश्चन नंबर बारह और ये भी आपका चार नंबर में है इसके अंदर आपसे ग्रह व्यवस्था विभाग पर संगठनात्मक चार्ट बनाने के लिए बोला गया है तो देख लेते हैं कि चार्ट कैसे बनाया जा सकता है तो देखिए बेटा इस वक्त आपको स्क्रीन में दिख रहा है आपका चार्ट तो चार्ट में सबसे पहले आपको शो करना है कार्यपालक ग्रह अनुरक्षक ठीक है फिर आंतरिक सज्जाकार सहायक गृह अनुरक्षक और फिर सहायक गृह अनुरक्षक का जो गृह अनुरक्षक नियंत्रण डेस्क आ जाता है जिसको हम एक तरह से रिसेप्शनिस्ट बोल देते हैं और इसके अलावा तल पर्यवेक्षक सार्वजनिक छत्र पर्यवेक्षक माली लिलेन कमरा परिचर गृह अनुचर प्रधान गृह अनुचर गृह अनुचर और यहाँ तक कि मददगार जो कि पार्ट है वर्धित पर्यवेक्षक का या फिर लिलेन जिसको हम बोल देते हैं तो बेटा इस तरह का एक आपको संगठनात्मक चार्ट बनाना है और देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है इसके अलावा बेटा आपसे पूछा गया है कि नीता इस विभाग में शामिल होने पर कौन सी चार जिम्मेदारियों को निभाएगी तो सबसे पहले तो गृह व्यवस्था और साफ सफाई की ज़रूरत सिर्फ़ घरेलू और व्यवसायिक क्षेत्रों में मतलब सिर्फ घरेलू क्षेत्र में नहीं पड़ती व्यवसायिक क्षेत्रों में भी पड़ती है गृह व्यवस्था की परिभाषा ये है कि विविध परिसरों जैसे घर होटल रिहायशी सुविधाओं आदि के मेंटेनेंस और साफ़ सफाई की व्यवस्था करना गृह व्यवस्था या फिर हाउसकीपिंग कहलाता है इस विभाग में अगर नीता शामिल होती है तो उसको निम्न जिम्मेदारियां निभानी होगी सबसे पहले इसके अंतर्गत साफ़ सफाई को लेकर लॉन्ड्री संबंधी कार्य किए जाते हैं यह एक आसान काम नहीं होता ग्राहक अतिथियों को एक स्वच्छ और दुर्गंध रहित माहौल उपलब्ध कराना एक हाउसकीपर गृह प्रबंधक के दायित्व होते हैं इस नौकरी में व्यक्ति को फर्श साफ करने से लेकर पर्दे बदलने तक के सभी कार्य करने पड़ते हैं संक्षेप में ग्रह व्यवस्था ग्राहक की सेवा से संबंधित कार्य है यहाँ ग्राहक अतिथि की, की संतुष्टि एवं आनंद को प्राथमिकता दी जाती है सामान्य दृष्टि में देखा जाए तो यही अर्थ निकलता है कि किस तरीके से घर को सर्वोत्तम ढंग से व्यवस्थित रखा जाए ठीक है बेटा अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है या आप ग्रह व्यवस्था का संगठनात्मक चार्ट नहीं बना पा रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया गया है वो है कि आपका भाई हाल ही में होटल के फ्रंट ऑफिस विभाग में शामिल हुआ है इसमें उसे इस विभाग में प्रत्येक प्रबंधक और पर्यवेक्षक के चार कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है तो सबसे पहले फ्रंट ऑफिस प्रबंधक फ्रंट ऑफिस विभाग का प्रभारी होता है वह सभी फ्रंट ऑफिस कर्मियों का पर्यवेक्षण करता है और महाप्रबंधक आवास प्रबंधक को रिपोर्ट करता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर के कर्तव्य और जिम्मेदारियां कौन कौन सी होती हैं वो देख लीजिए यहाँ पे मैनेजर का मतलब है प्रबंधक है ना सबसे पहले तो उसको बजट कार्य निष्पादित करना होता है सुनिश्चित करना होता है कि सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है या नहीं अतिथि समस्याओं का कुशलता पूर्वक, शीघ्रता से समाधान यहाँ पर किसको करना होगा क्या नाम दिया गया है यहाँ पर आपका भाई तो कोई नाम नहीं दिया गया तो सबसे पहले सभी प्रक्रियाओं को उसको अच्छे से पालन करना है अतिथि समस्याओं का पूर्वक और शीघ्रता से समाधान करना है आरक्षण सूचना पंजीकरण सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम यहाँ पर उसी का होगा इसके अलावा रिपोर्ट बनाना और विभाग की प्रस्तुति भी करनी होगी प्रशिक्षण के लिए फ्रंट ऑफिस कर्मियों को प्रेरित करना होगा सभी अतिथि फोलियो तथा अतिथि पंजीकरण कार्ड को सत्यापित करने का काम भी होगा कर्मचारियों के कर्तव्य और नौकरी के रोटेशन का शेड्यूल करना होगा इसके अतिरिक्त कर्मचारी के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन कार्य भी पर्यवेक्षक को ही करना होता है कुंजी यानी कि चाबी संभालने का काम भी उसी का होगा फ्रंट ऑफिस कर्मियों का पर्यवेक्षण भी उसी को करना होगा वास्तविक कमरे की स्थिति को सत्यापित करने के लिए हर समय बनाए रखा जाना चाहिए एक होटल के विभिन्न विभागों के साथ समन्वय रखना पड़ेगा होटल मिनिंग मीटिंग जो होंगी उसमें विभाग का प्रतिनिधित्व प्रबंधक करेगा सुनिश्चित करना होगा कि उसके अधीन सभी कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं या ठीक से तैयार किए गए हैं समय पर रिपोर्ट करते हैं या नहीं होटल की नई नीतियों को बनाना संक्षिप्त करना कर्तव्य और जिम्मेदारी बांटने के काम भी प्रबंधक के ही होंगे यहाँ तक कि अतिथियों से अच्छे संबंध बनाने के लिए उसे खुद भी और उसे अपने कर्मचारियों को भी प्रेरित करना होगा तो ये तो है प्रबंधक के कार्य अब पर्यवेक्षक के क्या कर्तव्य हैं क्या जिम्मेदारी है तो संगठन के आकार और व्यवसाय की प्रवृत्ति के आधार पर एक फ्रंट ऑफिस पर्यवेक्षक को कॉन्फ्रेंस रूम का प्रबंधन कंपनी की जानकारी और योजना कार्यक्रमों को वितरित करना पड़ सकता है अन्य उद्योग विशिष्ट कर्तव्य भी, भी हो सकते हैं उदाहरण के लिए ब्यूटी सेलून में एक फ्रंट ऑफिस पर्यवेक्षक क्लाइंट के लिए अपॉइंटमेंट्स शेड्यूल कर सकता है और मेडिकल सेटिंग में फ्रंट ऑफिस पर्यवेक्षक डॉक्टरों के नोट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है इसके अतिरिक्त एक फ्रंट ऑफिस पर्यवेक्षक की नौकरी एक ऐसे व्यक्ति के लिए आदर्श है जिसके पास नेतृत्व शक्ति का कौशल है पर्यवेक्षक को दबाव में प्रभावी रूप से काम करने और अन्य सहायक स्टाफ सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए एक व्यक्ति जो फ्रंट ऑफिस पर्यवेक्षक बनना चाहता है उसे उम्मीद को प्रभावी ढंग से संवाद करने और लोगों को कार्य सौंपने में सक्षम होना चाहिए जो उसे रिपोर्ट करते हैं ओके बेटा तो अब है आप लोगों का प्रश्न नंबर तेरह जो कि चार नंबर में आपका लास्ट प्रश्न है और पूरे प्रश्न पत्र का भी लास्ट प्रश्न है प्रश्न है प्रत्येक मनुष्य के केवल अधिकार ही नहीं उत्तरदायित्व तो भी होते हैं इसलिए एक उपभोक्ता के रूप में आपको अपनी किन आठ जिम्मेदारियों से अवगत होने की आवश्यकता है वो बताना है तो उपभोक्ताओं के पास चीज़ों को खरीद कर खरीद के संबंध में मतलब उपभोक्ताओं के पास चीज़ की खरीद के संबंध में कई अधिकार हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं इसका मतलब है कि उपभोक्ता को उन्हें खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो आठ जिम्मेदारियां कौन सी हैं तो सबसे पहले उपभोक्ता को अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में उपभोक्ताओं के पास कई अधिकार हैं खरीदते समय उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए ये अधिकार है कौन कौन से जैसे कि सुरक्षा का अधिकार सूचना का अधिकार प्रतिनिधित्व का अधिकार निवारण का अधिकार उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार ठीक है दूसरा उनको सतर्क उपभोक्ता अपनानी चाहिए यानी कि आंख बंद करके किसी चीज़ को नहीं खरीदना चाहिए उपभोक्ता को चीजें खरीदते समय अपने कारण को पूरा करना चाहिए उन्हें विक्रेता के शब्द को अंतिम सत्य के रूप में नहीं मान लेना चाहिए दूसरे शब्दों में उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय उसकी सेवा की गुणवत्ता मात्रा कीमत उपयोगिता इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए वास्तविक शिकायतों के निवारण के लिए शिकायत दर्ज करना भी उपभोक्ता की जिम्मेदारी है खरीदे गए सामान के बारे में कोई शिकायत होने पर संबंधित अधिकारी से संपर्क करना उपभोक्ता की जिम्मेदारी है एक देर से शिकायत मिल सकती है कि गारंटी वारंटी की अवधि समाप्त हो गई है यानी कि आपको शिकायत करने में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए कभी कभी उपभोक्ता व्यवसायियों के धोखे को अनदेखा कर देते हैं यह प्रवृत्ति भ्रष्ट व्यवसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है इसके अलावा उपभोक्ता को गुणवत्ता के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है गुणवत्ता पर उसे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए उपभोक्ताओं को माल की गुणवत्ता पर कभी समझौता नहीं करना चाहिए इसलिए उन्हें कम कीमत के लालच से बाहर होकर सामान नहीं खरीदना चाहिए कई बार ऐसा होता है ना कि इसके अंदर ये डिफेक्ट है तो मैडम आप इसका सौ या दो सौ कम दे दो या और कम चीज़ है तो पाँच दस रुपये कम दे दो है ना तो इस चीज़ में उपभोक्ता को नहीं आना चाहिए यदि उपभोक्ता इस तरह का व्यवहार करते हैं तो उनके लिए किसी भी तिमाही से कोई सुरक्षा यहाँ पर नहीं हो सकती उपभोक्ताओं की यह जिम्मेदारी है कि वो केवल आई एस आई एग मार्क, वूल मार्क या एफ ओ इत्यादि मार्क के साथ ही सामान को खरीदें जो उन पर मुद्रित हैं ये सभी प्रतीक माल की अच्छी गुणवत्ता को प्रमाणित करते हैं इसके अतिरिक्त विज्ञापन अक्सर गलत विज्ञापन से उनको सावधान रहना चाहिए है ना विज्ञापन अक्सर गलत होते हैं है ना तो विज्ञापनों में आकर के चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए विक्रेता विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को अपनी चीज़ों के बारे में सूचित करता है विक्रेता अपने माल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं इसलिए विज्ञापन की सच्चाई को पहचानना भी उपभोक्ता की जिम्मेदारी का ही एक हिस्सा है इसके अतिरिक्त रसीद और गारंटी वारंटी कार्ड प्राप्त करना ना भूलें हमेशा खरीदी गई चीज़ों के लिए रसीद या बिल प्राप्त करना चाहिए यदि विक्रेता गारंटी वारंटी कार्ड भी दिया जाता है तो उसे भी उस चीज़ को लेना चाहिए यदि खरीदे गए सामान में गुणवत्ताहीन है वो सामान या बेकार है खराब है तो ग्राहकों को वो लोग परेशान करते हैं अगर उपभोक्ताओं के पास गारंटी वारंटी कार्ड या बिल नहीं होता तो इस तरह से विवादों से निपटने में इस तरह के कार्ड बहुत ज़्यादा मदद करते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी में चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए उपभोक्ताओं की पहली महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये है कि वो जल्दबाजी में ख़रीदारी ना करें इसका मतलब है कि उपभोक्ताओं को उन चीज़ों का अनुमान लगा लेना चाहिए जिन्हें वे अपने द्वारा आवश्यक मात्रा में खरीदना चाहते हैं उन्हें उस जगह को भी ध्यान में रखना चाहिए जहाँ से चीज़ें खरीदनी है ओके बेटा तो ये था आपका आठ जिम्मेदारियाँ जो होनी चाहिए उपभोक्ता के पास यूज़ करनी चाहिए उपभोक्ताओं को कोई भी चीज़ खरीदते वक्त तो बेटा ये था आपका होम साइंस का सिंपल पेपर जो कि बेस्ड है आपके सेकेंड टर्म बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर पैटर्न पर और बेटा इसके अंदर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर आप तक पहुँचाने का प्रयास किया है आशा करती हूँ बच्चों ये आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा तो बेटा मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको भी होम साइंस हिंदी मीडियम एग्जाम पैटर्न सैम्पल पेपर की ज़रूरत है और बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या आपने और वीडियो भी देखी हैं लेकिन चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें